हाई एवरी वन इन दिस एंथ्रोपोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर पेपर वन टूडे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन में देखेंगे कि आज हम क्या कवर करने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में सो बिफोर वी बिगिन द लेक्चर आई वॉन्ट टू टेल यू कि जिन लोगों के भी वन पॉइंट फोर और वन पॉइंट फाइव के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले उन लेक्चर्स को देखें उन्हें कम्प्लीट करें and those who are okay with the topics they can go ahead with this lecture because is lectures mein aake hum jitne bhi concepts ki baat karenge if you have a clarity of 1.4 and 5 it will be easier for you to comprehend the topic all alright so first of all अपन आज के topic की बात करते हैं तो इस topic के अंदर हम paleopliocene hominids के बारे में बात करेंगे जो कि south southern part of Africa और eastern part of Africa में पाए जाते हैं सो so बेसिकली इनको हम एक नाम से बोलते हैं दे आर नोन एज ऑस्ट्रोलोपेथिसंस ओके अभी ऑस्ट्रोलोपेथिसाइंस कौन है ये टैक्सोनॉमी में इनकी प्लेसमेंट कहाँ होती है कितने कितने पार्ट्स हैं इनके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सो बेसिकली सी ऑस्ट्रोलोपेथिसाइंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दे आर ऑफ ग्रेसाइल फॉर्म एंड रोबस्टस फॉर्म ग्रेसाइल फॉर्म के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और आपका जो ये रोबस्टस फॉर्म है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरन ये आपके पार्ट बी में कवर होता है 1.6 के पार्ट बी में कवर होता है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सो so, आज के हम इस लेक्चर में ऑस्ट्रालोपैथिकस ग्रेसियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे ग्रेसाइल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर बेसिकली आपके चार स्पीसीज आएंगे और वो चार स्पीसीज कौन कौन से हैं एक है ऑस्ट्रालोपेथिकस एनिमेंसीज दूसरी कैरि देन एफरेंसीज देन एफ्रिकेनस और राइट right. और हम इन स्पीसीज के बात करने के दौरान इनके टाइम स्पैन ऑफ़ फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके देखेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फॉसिल्स कहाँ डिस्कवर हुए थे कब डिस्कवर हुए थे और किसने डिस्कवर किए थे उनके बारे में जानेंगे देन फाइलोजेनेटिक स्टेटस बेसिकली फाइलोजेनेटिक स्टेटस एक एवोल्यूशन ट्री पे उनकी पोजिशन कहाँ पे है हु आर देर प्रोसेसर्स उनके सेक्सेसर्स कौन है हम उनके बारे में बात करेंगे देन ऑफकोर्स विल सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप यानी कि आफ्रिकन के मैप में वो कहाँ पे लोकेट होते हैं हम वो देखेंगे ओके सो नाउ टू बिगिन विथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्ट्रप्थसिना के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए आपको टैक्सोनॉमी चार्ट का याद होना या उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सो बेसिकली एस्ट्रो प्लीथसिना जो है दीज आर दब ट्राइब्स ऑफ द ट्राइब होमनिनी राइट और ये जो होमनिनी ट्राइब है ये दो सब ट्राइब्स में डिवाइड हुआ है एक है होमोनिना और दूसरा है पैन सो so, ये जो होमोनिना है इसके अंदर आपके ऑस्ट्रालोथोपैथिसना आते हैं और उसी के अंदर होमो भी आता है और राइट एंड देन ये अलग अलग जीनस में डिवाइड हो जाते हैं अब मैं ये जो भी बोल रही हूँ यू कैन सी थ्रू दिस चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइब के अंदर होमोनिनी आ रही है और इस होमोनिनी के अंदर होमोनिना एंड पेनिना आ रहा है जो कि सब ट्राइब्स है एंड देन होमोनिना के अंदर जो जीनस आता है वो होमोजेनस है और ये होमोजेनस एंड देन ऑस्ट्रोलोपैथेसिना भी इसी के अंदर आता है सो देयर इज अनदर चार्ट आउट हियर, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया गया है क्योंकि होमोने के अंदर होमो लिखा हुआ है एंड एस्ट्रोलोपैथेना के अंदर आपके ये अलग अलग पांच जेनस लिखे हुए हैं और राइट सो so, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि बेसिकली जब क्लासिफिकेशन की जाती हैं तो अलग अलग साइंटिफिक कम्युनिटी से अलग अलग क्लासिफिकेशंस uh, आते हैं तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस आप मान सकते हो उसको जिसमें अलग अलग आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे बट मोर और लेस इनसे कुछ मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है बट हाँ आप ध्यान रखें कि कहीं कहीं पर आपको होमोनिना के अंदर ही ये ऑस्ट्रोलपेथिसना मिल जाएंगे कहीं कहीं पर उनको एक अलग से सब ट्राइब भी दिखा दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है ऑलराइट। right. और मोस्टली जो आपके जेनरिक स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमी मिलेगी उसमें आपको ये वाली देखने को मिलेगी अक्सर देन हमने देखा कि uh, जेनस जो है एस्ट्रोलोपैथिस ना सब ट्राइब्स है इनके अलग अलग जो जेनस में डिवाइड होते हैं हमने वहाँ पे इन जेनस को भी देखा हुआ है पैरन्थ्रॉप देन अदर फोर्स तो ये जो एस्ट्रोलोपैथिकस है आज हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं और ये ऊपर वाले जो पैरेंथ्रपस है हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ये जो नीचे के चार है हमें इन्हें कवर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू पी एस सी सिलेबस में अभी तक के ये लिए ये नहीं इंक्लूडेड है तो हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे और राइट देन कमिंग बैक टू ऑस्ट्रोलापैथसन्हा के बारे में अगर हम और थोड़ी बात करें तो बेसिकली दे आर फॉर्म ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन आप इन्हें इन्हें कह सकते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ होमन राइट right, और इसका मतलब क्या है बेसिकली कोई जेनस ने किसी एवोल्यूशन के दौरान कुछ एक अलग स्पीसीज की कैटेगरी में चले गए लाइक गैलापिगोस फिंचेस के आपको एग्जांपल्स याद होंगे जिसमें गैलापिगोस फिंचेस ने अलग अलग स्पीसीज एक्वायर कर लिए थे बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इन एवोल्यूशन प्रोसेस और उसे हमने एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल में अच्छे से देखा था और राइट right, तो यहाँ पे भी एस्ट्रोलोपेथिसना जो है दे आर द जीनस ऑफ होमो बट अलग अलग स्पीसीज में वो डिवाइड हो गए हैं ओके okay? देन अगर हम बात करें इनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑल दो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बट ओवरऑल अगर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर लाइक क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन्स

एस्ट्रोलोपैथल uh, साइंस के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली uh, इनकी बात करें तो आपने सिलेबस के पार्ट में भी देखा हुआ है दैट दे मेंशन अबाउट पीलियो प्लेस्टोसिन सो बेसिकली ये जो पीलियो प्लेस्टोसिन है हमने जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था वी हैव सीन कि ये आपके कहाँ पे आते हैं सी टर्शरी और क्वार्टनरी पीरियड में ही ये अपूच जो डिवाइडेड है पीलीओसिन एंड प्लेस्टोसिन कैन यू सी आउट है ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर ये आपके जितने भी अभी हम स्पीसीज़ की बात करेंगे दे ऑल इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली ठीक है वो इसी टाइम के थे इसी टाइम पे एग्जिस्ट करते थे बिकॉज नाउ दे आर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज लेकिन वो इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे और हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और हमें इस पूछ को भी ध्यान में रखना है बेसिकली ऑल राइट और ये प्लेयो बेसिकली आपके 5.3 पॉइंट थ्री टू टू पॉइंट सिक्स मिलियन ईयर सगो से था एंड प्लॉस्ट 2.6 टू पॉइंट सिक्स मिलियन से एलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयर के बीच में आता है सो so, ये बेसिकली थोड़ी सी एक ब्रॉडर आप टाइम लाइन याद रखें क्योंकि जब हम अलग अलग स्पीसीज़ को पढ़ेंगे तो विल सी इस टाइम लाइन में ये कैसे कैसे आगे मूव कर रहा है ओके okay. देन uh, अगर हम फॉसिल्स की बात करें एस्ट्रोलोपैथिसाइनस की फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो दे वॉर्ज अ वेरी फेमस फॉसिल ऑफ एस्ट्रोलोपैथिसाइन दैट इज नोन एज लूसी सो लूसी बेसिकली ऑस्ट्रोलोपैथिसाइन जेनस की एक स्पीसीज है और इस स्पीसीज़ को हम एस्ट्रालोपैथिकस एफर्डनेसिस कहते हैं सो so अब यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है दैट हु इज दिस एस्ट्रालोपैथिकस एफर्डिस हमने अचानक से एक नया नाम ले लिया विल सी ए कैटेगराइजेशन कहाँ है बट आई जस्ट इंक्लूडेड टू लेट यू नो कि अगर आपने ये नाम कहीं सुना है तो दैट इज़ समॉट रिलेटेड टूट दिस ओनली ओके और ये जो एस्ट्रोलोपैथासाइन फॉसिल है वैसे तो सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका में जो भी फॉसिल्स मिले उनके बारे में पढ़ना है बट बेसिकली ऐसा नहीं है एस्ट्रोलोपैथसाइन फॉसिल्स केवल आपको साउथ अफ्रीका सॉरी अफ्रीका में ही मिले हैं दे आर फॉल फाउंड आउटसाइड Africa अफ्रीका ऑल्सो बट अभी के लिए वो हमारे सिलेबस के दायरे में नहीं आता है तो वी वोट टच अप दैट ऑलरेडी हमारे पास कवर करने के लिए काफ़ी कुछ है ओके okay. सो so नाउ अगर हम uh, इनकी एक और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की बात करें हमने टैक्सोनोमी में देख लिया टैक्सोनोमी में इन्हें कहाँ प्लेस करते हैं उनमें देख लिया बट अगर आप साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें बिकॉज यू रिमेंबर हमने ट्राइब सब ट्राइब तक तो देख ली है और उसके ऊपर ये जो की पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन आती है टैक्सोनोमी की अगर हम ये देखें तो वी विल सी कि हाउ दिस एस्ट्रोलोपैथिसना आर लाइक क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन और उसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इफ़ यू रिमेंबर हमने अपनी नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी uh, में पढ़ा हुआ है ऑल अबाउट दिस एनिमल किंगडम एट और नाइंथ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट या यू स्टडी दिस ड्यूरिंग यूर बायोलॉजी क्लासेज इन स्कूल वहाँ पर हमने पढ़ा था लाइक हा होमोसेपियंस आर फ्रॉम द एनिमल किंगडम विद द कॉडाटा फाइलम एंड क्लास मैम्स ऑर्डर टू मेड फैमिली होमिनेट जेनस होमो एंड दन स्पीसीज होमोसेपियन ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी आई ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है ताकि जो लोग भूल गए हैं वो रिकॉल कर सकते हैं इसे पढ़ने के बाद तो यहाँ पे अगर आप इस होमोसेपियन की क्लासिफिकेशन को इस एस्ट्रोलोपथेसना से आप कंपेयर करेंगे तो यू विल सी कि इनकी भी किंगडम एनिमेलिया है फाइलम को है क्लास मेमेलिया है ऑर्डर प्रमेट है सब ऑर्डर है ऑल दो आपको यहाँ पे सब ऑर्डर इस वाले में नहीं मिलेगा जो राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है बिकॉज दिस इज नॉट मैंट फॉर स्टार्टिंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी ये एक जेनरिक है जो स्कूल um, में आप पढ़ते हैं बट अगर आप इसमें इंक्लूड कर दे सब ऑर्डर हेलपोरिनी ये बेसिकली एंथ्रोपोडी है जो हमने पढ़ा हुआ है एट में हमने पढ़ा था कि हाउ इट इंक्लूडेड द ह्यूमन एप्स एंड अदर्स इन्फ्रा ऑर्डर इसकी सेमी है देन फैमिली होमेनीडिया है एंड देन सब फैमिली होमिनिया है ट्राइब है डिवाइड करते हैं सी we'll कि कौन कौन सी स्पीसीज इसके अंदर आती हैं सो बेसिकली यहाँ पे ब्रॉडर कैटेगरीज में दो स्पीसीज की हम बात करते हैं ऑस्ट्रोलोपैथिकस ग्रिसाइल फॉर्म एंड ऑस्ट्रोलोपैथिकस रोबासटिस फॉर्म सो ऑल दो इस लेक्चर में हम इस ऑस्ट्रोलोपैथिकस ग्रेसाइल फॉर्म को कवर करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रोलोपैथिकस रोबासटिकस फॉर्म जो है जिसे हम पैनम थ्रॉप भी कहते हैं वह आपके सिलेबस पार्ट टू का है पार्ट uh, टू में उसे कवर किया गया है तो हम भी इसे पार्ट टू में ही कवर करेंगे ऑल राइट सो नाउ लेट्स फोकस अपॉन दिस ऑस्ट्रोलोपैथिकस ग्रेसाइल फॉर्म और हम देखेंगे इस ग्रेसाइल फॉर्म के अंदर और भी कौन कौन से स्पीसीज हम इंक्लूड करते हैं ऑल राइट सो हियर यू कैन सी आई होप आपको चीज़ें कन्वर्ज हो रही होंगी प्लीज़ पे अटेंशन इफ़ यू आर नॉट बिंग एबल टू आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तभी भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी सो ना फोकस हिअर सी एस्ट्रोलिक्स के अंदर हमने बोला कि इनके अंदर जो अलग अलग स्पीसीज थी वो कौन कौन सी थी इनके अंदर भी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज थी लेकिन हमें जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है जो साइंटिफिक कम्युनिटी जिसे स्टडी करती है दोज आर ऑस्ट्रालोपैथिकस एफ्रिकेनस ऑस्ट्रैलोपैथिकस गैरी अस्ट्रालोपैथिकस एफ्रेंसिस दैन अस्ट्रालोपैथिकस एनिमेंसीज ओके और बाकी जो ये है ये मैंने आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन पार्ट के लिए यहाँ पर लगाया हुआ सो दैट यू वोंट गेट कन्फ्यूज इफ़ यू सी द नेम्स कि हमने यहाँ ये क्यों नहीं इंक्लूड किया ये क्यों इंक्लूड किया तो बेसिकली हमें कंसर्न इन चार से है जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है अगेन पैरेंथ्रॉप के अंदर ये तीन आते हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी के ये जो क्लासिफिकेशन है दियर यू कैन सी सो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑल दो दे आर इम्पोर्टेंट टू समर अर्स एट दिस पॉइंट ऑल राइट नाउ सो ग्रेसाइल ऑस्ट्रोप्रथ के जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके मॉडर्न एब्स और ह्यूमन बींग्स से मिलते हैं दैट इज क्लियर टिल नाउ और ये जो है आपके ईस्टर्न और नॉर्थन अफ्रीका में आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द दीरियर लेन पीरियड स्पेसिफिकली अगर आप बात कर लेन तो थ्री मिलियन ईयर्स अगो के बीच में आपको ये सारे के सारे नजर आ जाएंगे ओके okay. और कौन कौन से है ये हमने अभी अभी जस्ट यहाँ पे कवर किया ही है तो अब हम एक एक करके ऑस्ट्रालोपेथिकल एनिमीज एफ्रीज एफ्रिकेनस और गैरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में और सी right? और उनको शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे एक ये ह्यूमन फैमिली ट्री लगाया हुआ है ह्यूमन फैमिली ट्री में अगर आप देखेंगे तो अभी आपको हो सकता है चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाए हियर यू कैन सी हम इस एस्ट्रालोपैथिकस ग्रुप के बारे में बात करें इसमें हमने ये चार कैटेगरीज देखी हम इन चार स्पीसीज के बारे में बात करेंगे देन आर्डिपेथिकस मैंने आपको बताया हमें इन स्पीसीज को नहीं पढ़ना है तो वी वोंट गो डीपर इंटू दिस देन पैरन्थ्रापस ग्रुप ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिकॉज दे आर सब वॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोलोपैथिक्स बट देर इज सम कंटेंशन कि उनको एस्ट्रोलोपैथिक्स में डायरेक्टली रखा जाए या एक अलग ही जीनस माना जाए तो वो हम जो भी कॉन्ट्रोडिक्टी चीज़ है उसको साइड रख के पैरेंथ्रोपस ग्रुप के अंदर के इनको पढ़ेंगे देन हेयर आदर होमोग्रुप और ग्रुप के अंदर आपके होमोसेपियंस इरेक्टेस ये सारे कवर होंगे जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे ऑल राइट आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो रही हैं क्लियर हो रही हैं देन अगर हम फोकस करते हैं सी अगेन ये वाली चार्ट सिमिलर टू दिस चार्ट ओनली ऑल दो यहाँ पर ट्री है यहाँ पर आपको नाम नजर नहीं आ रहे होंगे इसीलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑल्सो इसमें अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो यू विल सी कि एज uh, पर द नेम और uh, जो पिक्चर्स हैं ये चार्ट बिल्कुल सेम सेम है ठीक है तो आप चाहे तो इसे भी पॉज करके देख सकते हैं दिस एंड दिस इज सेम फोकस करके अगर हम बात करें तो हम इन चार स्पीसीस के बारे में बात करेंगे ये हमने पहले भी बात कर ली है तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते सी अब हम पहले मेंबर की बात करते हैं ऑस्ट्रोपेथिक्स फैमिली की ओके सो ऑस्ट्रालोपेथिकस एनम एनामेंसीज ऑस्ट्रालोपैथिकस एनमेंसीज आर द वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन मेंबर ऑफ द जेनस एस्ट्रालोपैथिकस और राइट और चूंकि ये बहुत अर्लीस्ट है इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेश्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास बिकॉज इफॉर्मेशन कैसे मिलती है दे आर कम फ्रॉम द फॉसिल्स और फॉसिल्स की क्वालिटी जैसी होगी फॉसिल्स की क्वान्टिटी जैसी होगी इन्फॉर्मेशन भी हमें उतनी ही अच्छी मिल पाएगी और राइट तो चूंकि इनके ज़्यादा फॉसिल्स अवेलेबल नहीं थे इसीलिए इनके बारे में हमारा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इनके कुछ तीत एंड जो इनके मैंडियेबल्स हैं हमें उनके ही कुछ रिमेन्स मिल पाए थे सो बिकॉज ऑफ़ दैट हमने ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाया इनके बारे में अभी भी चीज़ें इन प्रोसेस है हो सकता है आगे चल के आपको और भी चीजें पता चले सो बेसिकली सी हियर आई हैव इंक्लूडेड अ काइंड ऑफ इन पोर्ट्रेट ऑफ दिस ऑस्ट्रोलापैथिकस एनेमेंसीज एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट बनाएं बिकॉज पोर्ट्रेट इज नॉट फीजिबल फॉर यू टू मेक इन द एग्जामिनेशन हॉल वट यू कैन डू इज कि जैसे जैसे हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप बेसिकली स्कल बना सकते हैं बट पोर्ट्रेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट हेयर यू कैन सी आई हैव इंक्लूडेड द टाइम लाइन इस टाइमलाइन को आप जरूर इंक्लूड कर दें अगर आपने कुछ क्वेश्चन उस तरह से पूछा गया है और आपको प्रेजेंट करना है तो आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं दे लिव्ड अबाउट 4.2 टू 3.8 मिलियन इयर्स अगो और इस टाइमलाइन में ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी ये इधर कवर होती है और ये कहाँ पर पाए गए थे बेसिकली ये ईस्टर्न अफ्रीका से इनके फॉसल्स हमें मिले थे सो दैट मीन्स दे वर लिविंग इन अराउंड दैट एरिया ओनली और डिस्कवरी डेट इन नाइनटीन नाइनटी है ऑल इनके पहले भी काफ़ी फॉसल्स डिस्कवर हुए हैं ऑफ़ दिस एस्ट्रोलोपैथिकस जेनस और वो कौन कौन से हैं वो आगे हम कवर करते जाएंगे नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिम सो बेसिकली इनके um, जो ट्रेड्स थे दे वर अ मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ह्यूमन्स एंड एप्स एंड देवर हैबिचुअल बाइपेड यानी कि दो पाँव पे चलते थे सो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दैट देवर क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमन लेकिन जो इनकी ब्रेन की साइज़ है दे आर लाइक सम वट रिलेटेड मोर क्लोजली टू द एब्स है कि अगर लॉन्गर फोर फोर आर्म्स तभी होते हैं जब उनको ट्रिप क्लाइंब करना हो इधर से उधर जाना हो उसके लिए वो उनको पड़ सकती है उनकी देन uh, अगर हम और दूसरे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देव अ थिकली बिल्ड लॉन्ग नैरोज इन पैरल लाइन एंड देर स्ट्रॉन्ग जॉज कंबाइंड दीज इंडिविजुअल माइट है फूड सी बेसिकली हम तीट के आधार पर बोन्स के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि, कि किस टाइप के खाने पीने की चीज़ें उस समय यूज होती थी तो विद द टाइप ऑफ एन तीट नैट दे हैवी कैन कन गिट दे माइट भी हैविंग समिव फूड कुछ टफ चीज़ें वो खा रहे थे अब वो बेसिकली प्लांट ईटर्स थे या वो और दूसरी भी चीज़ें खा रहे थे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है लेकिन अगर एब्रेसिव फूड से मतलब है तो मोस्टली दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग अबाउट प्लांट्स एंड अदर थिंग्स ओनली देन अगर हम फॉसिल डिस्कवरी के बारे में बात करें आई टोल्ड यू नाइनटीन नाइन्टी फाइव में इस्टेब्लिश uh, किया गया था बेसिकली नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव में देर वॉज अ टीम ऑफ पैलियनटोलॉजिस्ट मे वी ली की और इन्होंने कैनोपॉई जो कि नॉर्दर्न केनिया में लोकेटेड है वहाँ पर uh, इस फॉसिल को डिस्कवर किया था और इस डिस्कवरी के पीछे क्या स्टोरी है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए वैसे कि क्यों मिली कहाँ मिली एंड ऑल दो थिंग्स दैट इज़ लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो बट टॉ टेकिंग द टाइम इन टू कंसिडरेन वी वोट गो डीपर इंट दैट देन टू थाउजेंड नाइनटीन में भी कुछ डिस्कवरीज़ हुई हैं ऑस्ट्रैलो एनास से रिलेटेड एज आई टोल्ड यू की ये जो डिस्कवरीज़ हैं रिलेटेड फोसेस दे आर एन ऑन गोइंग प्रोसेस हो सकता है कल को कुछ डिस्कवरी और नई चीज़ें पता चले तो उन तो ट्वेंटी नाइनटीन में भी डिस्कवरी हुई हैं और ये इथोपिया से कुछ डिस्कवरीज़ की गई हैं एंड विल गेट टू नो वेरी सून कि इन डिस्कवरीज़ में और इनके बारे में क्या पता चलता है और जैसे जैसे पता चलेगा यू विल गेट अपडेटेड विद इट देन टॉकिंग अबाउट द फायलोजनी एज आई टोल्ड यू कि फायलोजनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट uh, है आपके सिलेबस का और एग्जामिनेशन में जनरली फाइलोजेनेटिक स्टेटस लोकेट करने के लिए बोल दिया जाता है सो हियर इज़ अ चार्ट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वन जिसमें आप ऑस्ट्रालोपेथिकस पैरन्थ्रॉपस होमो इन तीनों को ही लोकेट कर सकते हैं और बेसिकली हमारे जो यूपीएससी सिलेबस है ये इन्हीं तीनों के इन्हीं तीनों जेनस के इर्द गिर्द आपको मिलेगा तो अगर आपने ये वाला फाइलोजेनिक चार्ट याद कर लिया है क्लाडोग्राम याद कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएंगी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोलोपैथिकस एनीमिसिस को हम कहाँ पुट करते हैं सो so, ये एस्ट्रोलोपैथिकस एनीमिस आपको यहाँ पे मिलेगा एंड आई द टोल्ड यू दे आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनसेस्टर्स तो ये यह यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट मींस यू कैन यू सी ये कुछ बिगिनिंग ही है आपको ये यहीं पर मिल गया ठीक है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं एग्जामिनेशन में अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आप इसे मार्क कर दें एंड यू कैन शो इट और द जो मेन सजेस्ट दैट दे आर द स्पीसीज विद द डायरेक्ट एनसेस्टर्स ऑफ एस्ट्रोलोपेथिकस एफरेंसीज एंड पॉसिबली द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द स्पीसीज सी एडोपेथिकस हमने बोला था वो और भी पहले आए थे हम मतलब वो अर्लीस्ट के भी अर्लीस्ट फॉसल्स uh, में से काउंट हो जाएंगे उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है इसलिए उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं देन दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट एनसेस्टर्स ऑफ एफरेंसीज एफरेंसीज़ के बारे में हम अभी पढ़ेंगे एज यू कैन सी एफरेंसीज़ हमने नेक्स्ट कवर करना है हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हियर इज़ द क्लियर आउट चार्ट दैट यू कैन रेफर फॉर द फायलोजेंटिक स्टेटस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इनके सक्सेसर कौन है और इनके प्रोडिससर्स कौन है। ओके okay? और इसी फायलोजनी में अगर आप uh, और बेटर तरीके से लोकेट करना चाहते हैं तो आप इनको भी रेफ़र कर सकते हैं हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि एनिमेंसीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे राइट right. और ये एनिमेंसी जहाँ से आपको मिल रहे हैं दैट इज़ कैन यू सी ये जो होमो वाला है कैटेगरी ये उससे मैच करते हैं तभी हम कहते हैं दैट दे आर द ऑफ ह्यूमन बींग्स और ये जो पैरेंथ्रॉप है ये एक सब डिविजन अलग ही चला जाता है बिकॉज ऑफ दैट मैंने जो आपको बताया कि ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि ये होमोसेपियंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट या डिसेंडेंट तो हो ही नहीं सकते बिकॉज एज यू कैन सी ये एक अलग ही लाइन में जा रहे हैं और राइट right. तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है ये बिल्कुल अलग डिविजन हो गया है और ये होमोज इधर अलग डिविजन्स हो गए वैसे दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ ये पार्ट ऑफ द डिस्कशन है बट लेटर ऑन विल डिस्कस इन डिटेल नाउ टॉकिंग अबाउट द एफरेंसीज एफरेंसीज के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन दे आर द बेस्ट नोन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज एंड बेस्ट नोन क्यों हैं सो बेसिकली सी जब एफ्रेंसीज uh, के फॉसल्स मिले सो so, एफ्रेंसीज के फोस में हमने ये पाया कि दे वर द अमंग्स द लॉन्गेस्ट लिविंग एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स बिकॉज आज के डेट में ह्यूमन बींग की uh, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं होमोसेपियंस हैं हम जितने टाइम से अर्थ पर रह रहे हैं मोस्टली और प्रोबेबली ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकेंसीज थे इन्होंने भी लगभग उससे या उससे भी ज़्यादा वक्त पृथ्वी पर बिताया था तो दैट यू कैन इमेजिन कि इनकी उस टाइम पे क्या रही होगी uh, चीज़ें पूरी की पूरी एंड uh, जो फॉसल्स इनके मिले हैं देवर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी काफ़ी सारे फॉसल्स मिले हैं ओवर लाइक थ्री हंड्रेड इंडिविजुअल्स के फॉसल्स पाए गए थे इन अराउंड इथोपिया एंड अदर रीजन्स बिकॉज ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में भी बस एक ही रीजन में मिले थे अफ्रीका में भी अलग अलग रीजन में मिले थे ऑल दो देवर लोकेटेड इन एन अराउंड द साधन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ठीक है और uh, ये जो एफ्रन सीज की uh, जो फॉसल्स है इसमें से एक फेमस फॉसल है दैट इज़ नोन एज लूसी ऑल दो बहुत सारे आ, अलग अलग फॉसिल्स हैं जैसे एज आई हैव आउट मैं कि डिका वॉज ऑल्सो वन ऑफ़ द फॉसिल ऑफ एस्ट्रोलोपैथिक एफ्रेंसीज देन लिटोली में भी कुछ फॉसिल्स मिले थे बट लूसी चूंकि काफ़ी फेमस फॉसिल रह चुका है तो इसीलिए जनरली आप इनको एफ्रेंसीज के साथ यूज़ uh, करते हुए ज़्यादा पाएंगे ओके देन डिस्कवरी कब हुई थी 1974 में इनकी डिस्कवरी हुई थी ईस्टर्न अफ्रीका में दैट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ इथोपिया केनियन तंजानिया और ये टाइम स्केल पे कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेंगे तो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि आपके थ्री पॉइंट एट फाइव टू टू पॉइंट नाइन फाइव मिलियन ईयर्स अगो के बीच में इनका पूरा का पूरा जीवन काल था ऑल राइट देन अगर हम इनके हाइट और वेट की बात करें क्योंकि एनिमेंसीज काफ़ी पुराने फॉसल्स थे उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इसलिए हम हाइट और वेट के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते लेकिन एफरेंसीज के बारे में हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है इन कम्पेयर टू अदर्स तो इनकी जो मेल्स की हाइट थी दैट वॉज अराउंड फोर फिट एलेवन इंचज़ दैट मीन्स जनरल जो एवरेज ह्यूमन बींग आज के डेट में है उनसे तो ये छोटे uh, थे हाइट उनकी कम थी देन अगर हम वेट की बात करें तो वेट वॉज अराउंड फोर्टी टू के जीज अगैन वेट ऑफ फोर्टी टू के जीज इज नॉट मच आज के डेट में एवरेज वेट ह्यूमन बींग की एक वेल ग्रोन ह्यूमन बींग की इतनी नहीं होती है इससे ज़्यादा ही होती है देन कैरेक्टरिस्टिक्स uh, की अगर हम बात करें तो अगेन दे हैवे मिक्स मिक्सचर ऑफ प्रिमेटिव फीचर्स ऑफ स्कल एंड एडवांस्ड फीचर ऑफ़ द बॉडी और इनके जो टीथ और जॉज थे दे आर सिमिलर टू द ओल्डर फॉसल एप्स and they have a smaller canine teeth like all other humans and a body that stood on two legs and regularly walked upright. so basically in case जो canines थे जो दांत थे वो बहुत बड़े-बड़े नहीं पिलेंगे आपको. जब हम gracile form की बात करते हैं तो ये सभी के लिए applicable होगा that graciles don't have a bigger teeth. बिकॉज रिमेंबर हमने जब teeth डेंटेशन की बात की थी taxonomy के अंदर तो we discussed कि कैसे एप्स के जो canines हैं दे आर लाइक बिगर इन compare टू the human being. बट uh, आप अगर बात करें ऑस्ट्रेलापैथिक्स um, की तो इनके जो कैनाइंस होते हैं दे आर नॉट वेरी बिग दे आर द स्मॉलर इन कम्पेयर टू अदर एप्स एंड अदर थिंग्स और द पेल्विस एंड द लेग्स बोन आर फार मोर क्लोजली रिजेंबल टू दो ऑफ द मैन ऑफकोर्स क्योंकि ये भी बायोपेटल थे और बायोपेटल के लिए आपको पता ही है पेल्विक ग्रेडल और बाकी सारी चीज़ों में जितने सारे चेंजेस आते हैं में जो चेंजेस आते हैं हमने ये सारी चीज़ें पहले ही कवर कर रखी है दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं आपको वो यहाँ पे थोड़े uh, कनेक्शन करने के लिए काम आएंगे देन इनका जो ब्रेन केस है दैट इज यूजुअली वन थर्ड ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन सो सी बेसिकली ब्रेन केस का मतलब यहीं से होता है जो ब्रेन की आपकी साइज है दैट इम्प्लाइज द इंटेलिजेंस लेवल बेसिकली जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है क्रेनियल और आई एम नॉट सेलिंग डायरेक्टली रिलेटेड है उसी से बट या दैट इज यूज टू एनफोर दैट बेसिकली क्रेनियल कैपेसिटी अगर ह्यूमन बीइंग की जितनी ज़्यादा होती है और आप देखेंगे जो एप्स है उनकी काफ़ी कम होती है तो इंटेलिजेंस लेवल वैसे वैसे ही मापदंड नापा जाता है और राइट right.

जो इनके बच्चे होते थे बिकॉज जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सभी प्रीमेड्स में आप देखेंगे कि वो अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं उनको पालते हैं पोसते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं चिंपांझी में भी ये कैटेगरी पाई जाती हैं ह्यूमन बींग में तो ऑफकोर्स होती हैं तो एफ्रेंसिंग में भी ये बोल रहे हैं उनके जनरल को भी ये काफ़ी केयर करते हैं देन उनके बच्चे भी लेकिन बड़े हो जाते हैं जल्दी लाइक like चिम्पाजी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं आत्मनिर्भर हो जाते हैं जल्द से जल्द ठीक है देन एफरेंसीज की जो डाइट थी दे और ऑल्सो प्लांट बेस्ड डाइट और ये कुछ पॉइंट है जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं ये नहीं बोलूँगी कि एमरेंसीज से एफरेंसीज को आपको बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस मिलेगा लेकिन कुछ डिफरेंसेज होंगे इसीलिए आप इन सब को थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखें ताकि आपको मेंशन करना हो अलग से तो आप अलग से भी मेंशन कर सकें और अगर आपको ग्रेसाइल फॉर्म के बारे में क्यूमुलेटिवली भी पूछ लिया जाए तो भी आप मेंशन कर सकते हैं इन पॉइंट्स में से उठा उठा के और दो हम ग्रेसाइल फॉर्म का अलग से एक बार देख लेंगे ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो जाए ठीक है देन हमने जो अभी फिजिकल uh, फीचर्स जितने भी कवर किए हैं वो फिजिकल फीचर्स यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं तो ये मैंने एज एन एग्जाम्पल इंक्लूड किया है और राइट right. ताकि हमने जो फिजिकल फीचर्स की बात की है अगर आपको एग्जामिनेशन में इसको प्रेजेंट करना हो तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट आप उसको एक स्केलेटन बना सकते हैं और उस स्केलेटन में आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपेथिकस एफरेंसीज के लिए की गई हैं ऑल राइट देन फॉसिल डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो लूसी की डिस्कवरी लूसी द फेमस एफरेंसीज की डिस्कवरी डोनाल्ड जॉनसन और टॉम ग्रे ने की थी नाइनटीन में एट द साइड ऑफ हदर इन इथोपिया ओके एंड द स्पीसीज वॉज फॉर्मली नेम्ड इन नाइनटीन सो so, इसके बाद भी और आई एस आई मैंशन ऑलरेडी कि डिकाया अदर लेटॉली में भी आ, कुछ फॉसल्स मिले थे वो सारी चीज़ें हैं तो वो आप फॉसल डिस्कवरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं देन फाइलोजेनिक की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोजेनिक स्टेटस भी आप इसका देख सकते हैं लाइक like, एफरेंसीज आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड दे मे बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ़ द एस्ट्रोलोपेथिकस एनिमेंसीज एंड मे बी द एनसेस्ट्रल थ्रू द लेटेस्ट स्पीसीज ऑफ पैरन्थ्रॉपर्स एस्ट्रोलापैथिक्स एंड होमो ठीक है अभी हम वो डिटेल में बात करेंगे कि हाउ दे आर लाइक रिलेटेड टू द होमो देन uh, अगेन ये सेम चार्ट मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया ताकि आप बार बार इसको रेफर करेंगे ना तो आपको चीजें कन्वर्ज um, होनी शुरू हो जाएगी ना टॉकिंग अबाउट द लास्ट एस्ट्रोलोपैथिकस दैट इज एस्ट्रोलोपैथिकस एफ्रीकनस एफ्रीकनस की हम बात करें तो ये भी एफ्रेंसीज से मिलते जुलते ही हैं लेकिन हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है एफरेंसीज uh, uh, af, af, से क्योंकि हमने बात कर ली एफरेंसीज और एफ्रीकनस और एफ्रीमेंसीज तो इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर है कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती है अब एफ्रीकनस में और एफ्रेंसीज में क्या डिफरेंस है बेसिकली आप देखेंगे इनकी बॉडी वेट में और हाइट में आपको कुछ कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे क्या कैसे हैं वो अभी देख लेंगे सो so, बेसिकली इनकी डिस्कवरी इन 1924 में हुई थी इन साधर्न अफ्रीका और टाइम स्केल पे भी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट से टू मिलियन ईयर्स अगो पहले पाए जाते थे मेल की अगर हाइट की बात करें तो दैट इज़ फोर फिट सिक्स इंचज़ रिमेंबर हमने फोर फिट टू इंचज देखा था uh, so, course, इन केस ऑफ एस्ट्रालोपेथिकस एफ्रेंसी सो वो अफकोर्स इनसे थोड़े से छोटे हैं देन मेल्स की अगर हम वेट की बात करें दैट इज फोर्टी वन के जी उनके भी वैसे ही थे फोर्टी टू फोर्टी फाइव इस रेंज में आ रहे हैं एंड देन फीमेल इज थर्टी के जी वहाँ ट्वेंटी नाइन के जीज हो रहे थे तो so, थोड़ा बहुत डिफ्रेंसेज हैं लेकिन अगर आप ओवरऑल माने तो एस्ट्रेलोपेथिकस एफ्रिकेनस थोड़े से उनसे हेवियर एंड हाइट में थोड़े से ज़्यादा थे अफकोर्स यहाँ जैसे कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली चीज़ आप यही मेंशन कर सकते हैं दट द बॉडी स्लाइटली ग्रेटर देन द एफिक्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, थे। स्लाइटली ग्रेटर थे देन वॉट इज द क्रेनियल कैपेसिटी क्रेनियल कैपेसिटी भी आप लिख सकते हैं फोर ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड दे ऑल्सो हैव स्मालीथ जैसे मैंने बताया कि ग्रेसियल में ग्रेसाइल में आपको ज़्यादातर सबके केनाइंस छोटे मिलेंगे बहुत बड़े बड़े नहीं मिलेंगे ऑल्सो दे हैव अ लॉन्गर आम फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज एंड अ स्लोपिंग फेस दैट इज जस्ट आउट फ्रॉम दी अंडर ने द्रेन केस विद द प्रोनाउंस जॉ जॉब भी इनके काफ़ी बड़े बड़े होते थे एंड ऑस्ट्रेलोपेथिकस डज नॉट डिफर माकली फ्राम दो गोरेलाज एंड चम्पैनजीज यानी कि मोस्टली आप गोरेज और चिमपैजीज से भी इनको मान सकते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी बेसिकली फेस में जाइ लाइक आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं

मिलते जुलते हैं ओके एंड दे वॉक बायपेडली और बायपेडली वॉक करने के लिए क्या क्या चेंजेस आते हैं आप वो मैंशन कर सकते हैं अगर इन केस आपको स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया हो तो आप वो पेल्विक पेलविग्रेडल वाला और विमोल ये सारे एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करके अपने आंसर को अच्छा खासा बना सकते हैं देन दे ऑल्सो ई एट टफ फूड्स बट ऑल्सो हैड अ वेरी वेरिएबल डाइट इंक्लूडिंग सॉफ्टर फूड्स एंड प्लांट सी अब ये टफ फूड्स ये भी खाते थे बट इनकी डाइट में ज़्यादातर फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती थी और एक और बात जो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यू शुड रिमेंबर दैट सैजिटल क्रस्ट की हमने बात की थी जॉब बोन से अटैच एक स्कल के ऊपर एक बोन जाता है तो सैजिटल क्रस्ट आपको मोस्टली इनमें उतना डेवलप्ड नहीं मिलेगा ऑल हो सकता है बट डेवलप उतने ज़्यादा नहीं होते जो कि और दूसरे एप्स के केस में होती है और ह्यूमन बींग में तो हमने पढ़ा था कि सैजिटल क्रस्ट होता ही नहीं है ओके okay? देन फॉसिल डिस्कवरी की बात करें तो इनके फॉसिल को भी एक नाम दिया गया था अफ्रीक कैनस को दैट इज कॉल्ड टोंग चाइल्ड टोंग चाइल्ड क्यों क्योंकि टोंग एक प्लेस था uh, सदर्न अफ्रीका में और वहाँ पे ये मिला था एंड बिकॉज ऑफ दैट टोंग चाइल्ड नाम रख दिया गया था बिकॉज जो फॉसिल था दैट केम आउट टू बी अ थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि किसी ईगल के हमले की वजह से वो मर गया था और उसी डिस्कवरी के बाद उन्होंने उस तीन साल के बच्चे के फॉसिल का नाम टोंग चाइल्ड रख दिया था ठीक है ना अगर ये जो फिफ्थ मेंबर की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलापैथिकस गेरी सो ऑस्ट्रालापेथिकस गेरी के बारे में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इनके जो फॉसिल्स रिमेन है वो उतनी क्वालिटी के हमें नहीं मिल पाए उतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में भी नहीं मिल पाए जिनसे इनके बारे में बहुत सारा कुछ पता चले बट ऑलमोस्ट जितना भी इन्फॉर्मेशन पता है हम देखेंगे कि क्या क्या पता चला है उससे सो बेसिकली इनकी जो डिस्कवरी डेट थी दैट इज़ नाइनटीन नाइन्टीन सो और कहाँ पे पाया गया था दैट वॉज इन ईस्टर्न अफ्रीका एंड दे लिव्ड अबाउट टू पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो और वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम लाइन में कि ये कहाँ पे लोकेटेड थे ओके देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें जो भी हमें इनके बारे में पता है तो मोस्टली हमें ये पता चलता है दैट दे आर द ओल्डेस्ट नोन स्टोल टूल यूजर्स कि ये हो सकता है कि उन पहले कुछ मेम्बर्स uh, में से रहे हों इन द दर ह्यूमन लाइक वर्ल्ड जिन्होंने स्टोन्स को यूज करना शुरू किया था और इनकी फॉसल डिस्कवरी की किसने थी वो नाम आपको याद रखने जरूरी है दैट वॉज बेरहन एशवो एंड टिम वाइट इन 1919 नाइनटीन कहाँ पर की गई थी वो भी याद रखना जरूरी है दैट वॉज इन बाउरी मिडल आवर्स एथोपिया में ठीक है देन फाइलोजेनिक हम बात करें तो अगेन यहाँ पे फाइलोजेनिक चार्ट में आप वही चार्ट जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं इसी में आप लोकेट कर सकते हैं ये कहाँ पे है हेयर यू कैन सी गरी इज हेयर एफ्रोकैनिक इसके बाद आते हैं ठीक है थीके? देन अगेन इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं हमने ये चारों के चारों कवर कर लिए हैं और इसी चारों से यू कैन सी कि ये जो लास्ट कॉमन एनसेस्टर्स ऑफ एस्ट्रालोपेथिक्स एंड होमोनिट्स इन्हीं कैटेगरीज में से आते हैं ऑल राइट नाउ अभी तक तो हमने चार मेंबर्स ऑफ ऑस्ट्रालोपेथिक्स के बारे में बात कर ली उन मेंबर्स के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली फॉसल्स के बारे में बात कर ली और उन फॉसल्स को किसने डिस्कवर किया था और उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या थी उनके बारे में बात कर ली बट अब हम यहाँ ओवरऑल ग्रेसाइल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलोपेथिक्स की बात कर लेते हैं बट डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा हुआ है अलग अलग चार मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसोलिडेट करेंगे सो दैट इन केस अगर एग्जाम में आपको केवल ऑस्ट्रेलोपैथिक ग्रेसाइल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है तो यू कैन डायरेक्टली कोट इट और अगर आप ये नहीं भी देखते हैं तो आपने अभी तक जो चार मेंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है उनसे कुछ कुछ चीज़ें आप अगर कोरिलेलेट uh, करके लिखना चाहे वो भी दैट इज़ फाइन ठीक है तो सबसे पहले ग्रेसाइल फॉर्म में हम शुरू से ही बात कर रहे हैं दिया द स्मॉल इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड वेट बहुत ज़्यादा वो लंबे चौड़े नहीं होते थे स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल इनका मोस्टली ह्यूमन uh, से ज़्यादा को रिलेटेड होता था ह्यूमन uh, के ज़्यादा करीब करीब का इनका होता है बट इन द बोन फीचर इट कॉन्ट्रास्ट विद पॉन्चडिया एंड मैचेज विद ह हुमन इंडिया ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख लीजिएगा और बाकी भी स्कल से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि मोस्टली आपने वन पॉइंट फाइव फोर में कवर कर रखी हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा एंड यू कैन मैंशन इट आउट दैट ठीक है देन जॉज़ और फेस की बात करें तो बोरेजेस इनके पुअरली डेवलप्ड होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ एप्स हमने ह्यूमन में देखा था कि बोरेजेस हमारे बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते हैं ऑस्ट्रालोपैथिकर्स uh, के भी उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं बट या दे डू हैव अब ब्रोरेजेस जो कि आपको एप्स में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलते हैं ठीक है फेशियल हाव एवर लार्ज इन रिलेशन टू द बोन केस एंड द जॉज आर ऑल्सो रिलेटिवली लार्ज बट हैव नो सीम इन सेल्फ जॉज भी इनके बड़े होते हैं कंपेयर टू द ह्यूमन द्यूमन बींगस यू सी डेंडेशन हमने बात की थी कि नाइन इनके स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू द एप्स पेल्विस भी एस्ट्रोलोपैथिकस uh, के जो है कंट्रास्ट विद एप एंड शो द पैटर्न ऑफ इरेक्ट ऑल्दो ह्यूमन के uh, बायपेडल फीचर के जितना इवॉल्व नहीं है बट ऑल दो इनके जो पेल्विस है वो आपके एप्स से तो थोड़े ज़्यादा ही डेवलप आपको मिलेंगे ठीक है देन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि स्केलेटन इंक्लूड किया गया है एक तरफ स्केलेटन आपके होमोसेपियन यानी कि ह्यूमन बींग्स का है और दूसरी तरफ एस्ट्रोलोपिथिक्स का है तो अगर आपको ये कंपेयर करने के लिए पूछ दिया जाता है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड ड्रॉ दिस स्केलेटन और उसमें आप लेबल uh, करके बता सकते हैं कि वट इज़ द डिफरेंस कि जैसे प्रोट्रूडिंग जो है इनके बट ह्यूमन बींग के जो जो है दे अलग सम वट वी वी शेप्ड हमने बात की इनकी लॉन्गर आर्म्स होती है बट ह्यूमन बींग्स की आर्म्स उतनी ज़्यादा लॉन्गर नहीं होती है वी हैव अ मोर लॉन्गर लेग बोन्स राइट हम इनकी जो हायर नैरो पेल्विस होते हैं बट हमारे पेल्विस अलग ही बेसन सेफ्ट के होते हैं थोड़े देन आपके लॉन्गर टोज बिक्स होते हैं और हमारे इनराज हील बोन्स होते हैं तो ये सारे कुछ कुछ डिफरेंसेज हैं जो आप अगर चाहें और एग्ज़ाम में जिस तरीके से भी आपको पूछा जाता है तो आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है देन हम आते हैं जोग्रफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो सी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी तक हम शुरू से बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं या फिर ईस्टर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे लोकेशन वहीं पे ही होंगे तो हमने अभी जितने भी प्लेसेस के बारे में बात की है वो सारे प्लेसेज यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं बट माइंड इट कि इन प्लेसेस में से पैरन्थ्रॉपिस जो हमने पहली स्लाइड में बात की थी ये एस्ट्रोलपैथिकस के दो जेनस निकल के आते हैं जो पैरंथ्रोपस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उस पैरंथ्रॉपस के भी इंक्लूड यहाँ पे किए गए हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अभी तक हमने जितने प्लेसेस को पढ़ा हुआ है आप उन प्लेसेस को इस मैप में लोकेट करके देख सकते हैं ठीक है और अगर हम स्पीसीज uh, वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी कि हमने एफ्रीनिस के बारे में पढ़ा है एस्ट्रोलिक्स गहरी के बारे में पढ़ा है एनिमनसीज़ के बारे में पढ़ा है एंड एफ्रिकेनस के बारे में पढ़ा है तो यू कैन ईजिली लोकेट ऑल दिस ऑन द मैप और यही सिमिलर मैप यहाँ पे भी इंक्लूडेड है ऑल्दो यहाँ पे प्लेसेस के नाम के हिसाब से है ठीक है देन लोकेशन ऑफ ह्यूमन एंड फॉसिल डिपॉजिट्स तो सी अगेन दिस इज द कंसोलिडेशन ऑफ व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ इट डिपेंड्स कि कौन किस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है अगर आप इसको इस तरह से टाइमलाइन पे प्रेजेंट करना चाहता है यू कैन आल्सो डू दैट ये बेसिकली और कुछ नहीं इन दोनों पिक्चर्स का कंसोलिडेशन ही है ओके तो आई वोंट वेस्ट मच टाइम आउट हेयर यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी और यू कैन ईदर वॉट लुक एट इट ऑन द नोट्स इटसेल्फ सेल्फ देन अब हम समराइज़ कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली डिस्कवरीज पढ़ ली फॉसल्स पढ़ लिए कहाँ मिले थे वो पढ़ लिए तो अगर आपने uh, समराइज़ करके देखना है कि किस प्लेसेस पे कौन से फॉसल पाए गए और किसने डिस्कवर किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है ऑल ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं लेकिन मैं बार बार इसलिए इन पे री कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बार बार देखते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाती है याद भी हो जाता है ठीक है तो इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर फिनिश करते हैं एंड आई एल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर फॉर पैरेंथ्रोपस वेरी सून थैंक यू सो मच